इतनी खराब है यहाँ पे, मैं दूसरी बार व्लॉग बना रहा हूँ इस जगह की, और आज ये गेट ही बंद कर दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से। बस अब यहाँ से मैं वापस चल रहा हूँ, आपको बाकी चीजें दिखाऊंगा। दांत से रेशमी डोल करती है उम्र कब की बरस के सुखद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती रही, वल्ला में धड़कन बढ़ने लगी है, तेरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। दिल तो हमें ना आपको कंडीशन चेक करके बताता है, आ जाओ झूमने। ये देखो बैठ भी गया, कितना खुश हो रहा है। अबे पैर पैर छोड़ दे इसके। अबे तो जब ही तो कह रहा थी क्या ऐसी उलझी नजर से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, और आज हम यहां पर आए हैं रोशनाबाद के अंदर। और इस पार्क में कुछ मेन चीजें हैं, एक यहां पे अंदर ना बारादरी बनी हुई है जो कि एक टॉम्ब है, और इसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें एक लेक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा सामने की तरफ रोशनाबाद का ये मेन गेट है, और ये रहा इसका गेट। मैं यहाँ पे शाम के टाइम आया हूँ, अराउंड 6 बजने वाले हैं, तो सामने की तरफ भीड़ देखो कितने सारे लोग हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे साइकिल भी चला रहे हैं, और नॉर्मल पार्क की तरह एनवायरनमेंट है। मेन एक चीज़ है वो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, इसका नाम रोशनाबाद क्यों है आपको समझ आ जाएगा। इस देखो बंदों में हर तरफ पिच बनी हुई है, क्रिकेट चल रहा है, ये 1 2 3 4 लगभग करीब ना 10-15 पिचेस बनी हुई है यहाँ पे। आप सोचते हो ना IPL का ही क्रेज होता है, ये GPL है, गली प्रीमियर लीग है, ये पार्क में चल रही है। इतनी खराब है यहाँ पे, मैं दूसरी बार व्लॉग बना रहा हूँ इस जगह की, और आज ये गेट ही बंद कर दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से, और अब ये हमारी हालत है। तो भाई आज दूसरी बार भी इसका काम खराब हुआ, और ऊपर से डोरी वोरी बांध के स्पेशली बंद कर रखा है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, अंदर गार्ड वार्ड बैठे हुए। लेकिन हम एक काम करते हैं ना, घूम के चलते हैं, क्या पता पीछे से भी रास्ते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम पूरा वैसे ना इस समय बंद करना ठीक भी है यार, यहाँ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, सब परेशान करते होंगे इन्हें, है ना। जैसे तू एक परेशान करने के लिए आए, उनके मुंह पे कैमरा लगा देता है। अंकल बताओगे कुछ इसके बारे में? वो बेचारा बैटरी नहीं है फोन में, बड़ी लिमिटेड है, बैटरी स्टोरेज भी नहीं है, यहाँ से भी एंट्री नहीं हो पा रही। और फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की व्लॉग नहीं बनानी चाहिए, पर मैं ना इसे शूट करके आपको ये बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, जितना मैं मतलब यहाँ से ऑब्जर्व करके आपको बता पा रहा हूँ, और जो यहाँ की हिस्ट्री है थोड़ी सी वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार पहले भी आया था। कब हो गया यार, हफ्ता भर हो गया। तो किसके साथ? अरे छोड़ यार, ग्रुप था पूरा, तो मैंने वीडियो मुझे क्यों नहीं बुला था? उस दिन बारिश हो गई थी। अच्छा फिर ठीक है। तो मैंने क्या करा, पूरी यहाँ की ब्लॉग तो नहीं बनाई थी, बस यहाँ से घूम के चला गया था, बारिश वाला दिन था। अब मैं दोबारा आया कि दोबारा शूट करूंगा, और इस बार पढ़ के भी आया था इस जगह के बारे में। हाँ। तो अब मैं तो मेरे पास अब हिस्ट्री रह गई, जगह तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अब हिस्ट्री बता दो क्या हुआ। वो नहीं है जो शाहजहां और मुमताज हैं, उनके हाँ। जो बच्चे थे, उनके बच्चों में से उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था रोशनारा, ठीक है। उसका भाई था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जब अपने जो शाहजहां था ना, उसको कैद करवा दिया था, जब वो ताजमहल में बहुत ज़्यादा पैसे लगाया जा रहा था ना, तो उसे कैद कर दिया था। उसके सामने एक लाल किला है, ताजमहल के जस्ट सामने की तरफ एक लाल किला है। अच्छा। तो उसमें अपने पापा को ही उन्होंने बच्चों ने कैद कर दिया था, और सबसे मेन जो बच्चा था उनका औरंगजेब था, जिसने खुद गद्दी छीन ली थी अपने बाप से, और उसको जेल मतलब एक तरीके से जेल में डाल दिया था अपने बाप को और शाहजहां को। तो ये सारी चीज़ होने के बाद क्या हुआ, जो मेन कैरेक्टर था, जो क्लेवर माइंड था, पूरा जो चला रहे थे ना, रूल कर रही थी लड़की, उसे रोशनारा को बताया जाता है कि ये जो सारी प्लानिंग थी वो रोशनारा ने ही करी थी। औरंगजेब को भड़काया था कि ऐसे ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे। तो ये सारी चीज़ थी, एक तरीके से मान सकते हो वो को रूल कर रही थी औरंगजेब के साथ मिलके, बट वो थोड़ा पीछे से सब कंट्रोल करती थी। अब मतलब वो उनके दिमाग से खेल रही थी। हाँ, अब आगे याद करने लगेगा क्या था। और तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो इनका एक और भाई था, उसका नाम था दारा शिकोहा, ठीक है। औरंगजेब का और इसका रोशनारा का एक और भाई था दारा शिकोहा। वो दारा शिकोहा जो था वो थोड़ा और ज़्यादा प्यारा था इनको, ठीक है, रोशनारा को। तो क्या हुआ था, औरंगजेब ने ना किसी रीज़न की वजह से, अपनी मतलब पर्सनल दुश्मनी की वजह से, दारा शिकोहा को मरवा दिया था, और उसका सीधा गर्दन काट दी थी सबके सामने। तो क्या हुआ था, रोशनारा जो थी उसने ना उनका सर उठा के अपने शाहजहां को जाके दे दिया था कि ऐसे करके उसने मार दिया औरंगजेब ने। तो फिर उसके बाद ना वो परेशान हो गई थी,
उसने क्या करा, वहाँ से निकल के मतलब सारा राजमहल वगैरह छोड़ के जो उसके बाप ने उसे जगह जगह दी थी, गिफ्ट में दे रखी थी, ये वाली जगह रोशनारा जहाँ पर हम आ गए हैं, इसको रोशनारा बाग बोलते हैं। और ये जस्ट रोशनारा रोड के सामने ही है, इस जगह पे जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं ये सारी सामने जगह है, ठीक है। तो इस जगह के अंदर एक बारादरी करके महल बनाया था, महल पूरा बन गया था। तो क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद जो रोशनारा थी उससे किसी से प्यार हो जाता है। तो जो औरंगज़ेब है ना, इनके इनमें क्या होता था कि ऐसा मानते हैं कि किसी को प्यार वगैरह नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें इनमें गलत मानी जाती थी उस टाइम पे। तो किसी को मतलब कैसे भी करके औरंगज़ेब को ये बात पता लग जाती है, तो वो क्या करता है, रोशनारा को भी ना जहर दे के खाने वाने में वो उसको भी मार देता है। और आखिर में जो ये जो महल होता है इसका रोशनारा का, इस महल में इसके बीचों बीच में ना उसकी कब्र है, उसमें ही दफन कर रखा है। अब मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ से दिखा नहीं सकता। ये देखो आपको जालीदार हिस्सा दिख रहा है, इसी के जस्ट नीचे दफन है, ठीक है। और इसके बीच में, और ये जो मेन जगह है, जो ये मेन जगह है, इसका नाम यहाँ पे बारादरी है। और बारादरी इसके इसलिए बोला जाता है, इसके साइड में इधर की तरफ तीन गेट हैं, जो आप देख रहे हो ऐसे करके, ऐसे चारों साइड है, तो ऐसे करके टोटल 12 गेट है, इस वजह से इसको बारादरी बोला जाता है। और इसे टॉम भी बोलते हैं, क्योंकि रोशनारा की जो कबर है वो इसके बीचों बीच में लगी हुई है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, अब तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रहा। यही सारी मेन स्टोरी थी इसकी, और बस इतना ही है। बाकी मैं आसपास ना, ये नॉर्मल पार्क की तरह है, बीच में इतनी ये एरिया इन्होंने कवर अप करा हुआ है। ये जो एरिया है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में ही ये सारी काम हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करा हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभिषेक, तू मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताना चाहते हैं, एक्सी फैमिली किसी को ना मिले? हाँ। मतलब पहले ही अपने ही बाप को कैद करवाया, मरवाया, अपने भाई के कान भरे, फिर उसी भाई ने उसको मार दिया, फिर उसने उसको मार दिया, यही हिस्ट्री रही है यार इन सब लोगों की। बस आंटी बंद है। तो क्या होता था, मेरा दोस्त है ना, वो जस्ट इसके आसपास ही रहता है, तो उसने मुझे एक बात बताई थी। सुबह के टाइम क्या होता है, यहाँ पे गार्ड नहीं होते थे, अब तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से अंदर ही नहीं जा पा रहे, लेकिन जब अंदर जाते थे ना तो इसके ऊपर नहीं जा पाते थे। तो मेरा दोस्त यहीं पास में रहता है, वो सुबह सुबह आता था यहाँ पे खेलने, पार्क है क्योंकि इसके आसपास पूरे ही नॉर्मल पार्क की तरह सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी वो चला जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा सकते, अब गार्ड वगैरह सब हैं, और अब तो इसके पास भी नहीं जा सकते, ऊपर के अंदर भी नहीं जा सकते, गेट पे खड़े हैं। और बस अब मैं आसपास का पार्क दिखा देता हूँ किस तरीके का। और चलो, इसके जस्ट साइड में आपको पहाड़ जैसी जगह दिख जाएगी। वैसे तो इसका नाम ना रोशनारा बाग है, बट ऐसा बाग वाग कुछ नहीं है, नॉर्मल पार्क की तरह। इसमें दो तीन चीज़ें मेन है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल जैसे पार्क में मशीनें होती हैं ना, वो तो यहाँ पे है ही। उसके अलावा इसमें बीच में ना एक ये पहाड़ टाइप एरिया बना हुआ है, ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो। जो इसके ना आसपास का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, बताते हैं, आसपास भी काफ़ी ग्रीनरी, अगर आप आसपास और कहीं निकलना चाहो तो इसके आसपास एक बोंटा पार्क है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एक म्यूटी मेमोरियल भी है जस्ट इसके पास में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं है, होगा करीब 2-3 किलोमीटर के अंदर में होगा, आप रिक्शा से या बाइक से आराम से इधर उधर जा सकते हैं। 1-1.5 किलोमीटर, दो ज्यादा होगा, 1-1.5 किलोमीटर, मतलब पास में ही है, आप रिक्शा से आराम से आ जा सकते हैं, पैदल थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन तो हम पैदल ही आए हैं। वो म्यूटिनी मेमोरियल है, तो उसकी भी मैंने व्लॉग बनाई, अगर आपको आई बटन पे दे दूंगा, देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। और का मतलब बता, फ्रीडम फाइटर, नहीं, फर्स्ट वॉर फॉर फ्रीडम, ठीक है, समझ गए। ये फर्स्ट वॉर थी अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम के लिए, जो हुई थी 1850। अरे छोड़ भाई, सारी यहीं बता देगा तो व्लॉग नहीं देखेंगे, आई बटन पे पूरी व्लॉग देख लेना इसकी व्लॉग, ठीक है। और बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, रिश्वत भी देनी पड़ गई थी हमें वहाँ पे, और ऊपर नहीं जाने, 60 रुपए। तो जो जिस चोटी को मैं दिखा रहा था उसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, पहाड़ बोलना इसे, तो जिस पहाड़ को दिखा रहा था, यहाँ पे छोटा सा पहाड़ बना हुआ है रोशनारा बाग के अंदर, आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये चढ़ गया भाई यहाँ पे, ये बहुत ही प्यारा पहाड़ बना रखा है, और ऊपर से ना ब्लू पेंट कर रखा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे नदियाँ वदियाँ बहती होंगी। मुझे लग रहा है वो है राम सेतु का वाटरफॉल जो बनाते हैं, वाटरफॉल का, और ऐसा लग रहा है राम सेतु टाइप का बना रखा है, पत्थरों में श्री राम लिखा हुआ है, और पानी बहते हुए वैसे है। बाकी इसमें ना स्टोरेज नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको मेन लेक दिखाते हैं, फिर आसपास का थोड़ा सा एरिया दिखाते हैं, गिर जाएंगे यहाँ, और कुछ सिनेमैटिक्स भी बढ़िया बढ़िया जो मैं बनाऊंगा खुद से, एडिट भी मैं ही करूंगा, बट डेलीगेट्स के पास। अब यहां से मैं वापस चल रहा हूं, आपको बाकी चीजें दिखाऊंगा। हम लोग पास में जाके बैठ भी सकते हैं, सिटिंग एरिया बना हुआ है, मतलब सिटिंग नहीं बस बैठने के लिए जगह बनी हुई है। सामने की तरफ ना यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, और इस टाइम पे मैं लकी हूँ कि ये चल रहा है, और इसमें देखो लाइट भी जल रही है, अगर आप गौर से देखो।
फिर सामने की तरफ पूरा फाउंटेन है और आप इसे भी देख सकते हो। और इन फाउंटेन्स में ना बीच में लाइट भी चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, और कलर भी चेंज हो रहे हैं। अभी अंधेरा, अभी ना अंधेरा नहीं हुआ तो इस वजह से ये लाइट ढंग से दिख नहीं रही, बट ये व्यू यार बहुत प्यारा लग रहा है। और सबसे खास बात है इसके बीच में ना एक टापू बना हुआ है, ये देखो, इसके बीच में ना ये टापू बना हुआ है। और ऐसा मेरे मतलब ऐसा होता है, यहाँ पे ना बोट चलती है, उस बोट से आपको उस टापू पे छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे भी सीटिंग वगैरह बनी हुई है, आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अभी बोटिंग चालू नहीं है, तो उस बोटिंग का कुछ चार्ज देना पड़ता है जिससे आप बोट के थ्रू वहाँ पर जा सकते हो। और ये लेक गहरी है, तो अगर यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ ऐसी हरकतबाजी मत करना कि इसमें गिर जाओ, क्योंकि यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं आ सकता। यहाँ की सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा जो खास बात लगती है वो विषय क्या है यार का ये लेक और फाउंटेन। नहीं यार, ये जो लेक के बीच में जो टापू आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हर टाइप की चीज बना रखी है। और ये टापू पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप मान के चलो इस टापू पे जाने के लिए आपको सिर्फ बोट चाहिए होगी, जब बोट नहीं चल रही तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। और लेक भी बहुत गहरी है और ऊपर से टापू ना बहुत सुंदर बना रखा है अंदर से, वहाँ पे सिर्फ बैठने बैठने का एकदम बढ़िया सा बना रखा है। अगर आपको कभी घूमना हो या फिर ना अकेले टाइम स्पेंड करना हो, किसी अपने पार्टनर के साथ अकेले किसी अच्छे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना, तो भाई वो डिस्को वाली नाइट्स ले जाओ और खाना पीना ले जाओ, डीजे ले जाओ, वहाँ पे चले जाओ टापू में, और वो जो आपका दिन कटेगा ना सबसे बेहतरीन। और साथ में अगर फाउंटेन्स भी चल रहे तो बात ही क्या है ना अभिषेक। बट यार दिक्कत क्या है, वहाँ जा नहीं सकते उस टापू पे, अभी बोट नहीं है यहाँ पे, अभी चल नहीं रही। सबसे बढ़िया तैरना भी नहीं आता और हम इस पानी में तो नहीं तैरने वाले कभी भी। अच्छा लग रहा है वैसे, गंदा देखो कितना है ये ना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे खेती कर रखी है इन फंगई की या जो भी है पौधे टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन फार्मिंग हो रही है भाई यहाँ पे और कुछ नहीं। यार इस पार्क के अंदर ना अलग अलग टाइप की सिटिंग बनी हुई है, देखो ये सिटिंग बना रखी है साइडों से इस तरीके से, इसमें स्टेयर्स जा रही है, इधर से स्टेयर्स जा रही है, बीच में पूरा गोल सा एरिया बना हुआ है, देखो ये भी बड़ा यूनिक सा और नया सा लग रहा है। हालांकि इसमें एक आदमी कोई अंदर की तरफ सो रहा है। अब तो क्या होता है यार, मतलब जो लेक है ना, लेक ना थोड़ी सी घूम के बाहर की तरफ आ रही है, और इस बाहर की तरफ आने के बाद ना देखो सामने की तरफ किस तरीके की थोड़ा सा स्टेयर्स ही बनी हुई हैं, और स्टेयर्स कम नहीं सिटिंग ज़्यादा लग रही हैं कि आप लेक के किनारे यहाँ पर बैठ के अपना पास से देख सकते हो लेक को। यहाँ पर देखो यार एक ना टॉयलेट बना रखा है, और ये मतलब यहाँ पर मेल का है वो फीमेल का है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों यार इसमें ना लॉक लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा सा बना रखा है। बाहर से तो साफ़ सुथरा और कलर्ड लग रहा है, अंदर का पता नहीं कैसा होगा क्योंकि ये खुला हुआ नहीं है। तो यार एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना नॉर्मल पार्क की तरह नॉर्मल झीले नहीं है, कुछ अलग वाले झूले भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्लेट दिखाए थे उनके साइड में, यहाँ पे गेट है देखो, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामने ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, झूले के लिए आपकी बारी का इंतजार करें, मारा मारी ना करें, खून खराब अलाउड नहीं है। अब अच्छा अंदर चल दो खून खराब भाई, यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े ना। तो यार नॉर्मली झूलों में ना ये सीसो नहीं होता, यहाँ पे सीसो भी बने हुए हैं और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो हमें ना आपको कंडीशन चेक करके बताते हैं, आ जाओ झूलने। देखो बैठ भी गया, अबे बैग ले, जमीन का लगेगा। तो ये देखो मेरे को भी बिठा दिया उसने, बैठ बैठ बैठ, कितना खुश हो रहा है। अब यार इसमें वो होनी चाहिए पैर लगाने, क्लाइंबिंग करते हैं ना बच्चों के लिए, वो वाले भी झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत सही सही झूले हैं। अगर आपको बच्चों को यहाँ पे घुमाना है ना तो आप घुमा सकते हैं, देखो अलग अलग आंटी भी बैठी हुई हैं, और ये स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं, आगे और भी स्लाइड्स हैं, तो ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैं आपको लेक दिखाना चाहूँगा, लेक में जो फाउंटेन्स हैं ना ये देखो अब और ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, देखो क्योंकि अब ना और अंधेरा हो गया तो इनकी लाइट बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे घूमते घूमते लेट हो गया था, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन लेक में, तो इनका कलर अब ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये देखो यार। और आसमान भी देखो कितना सही हो गया, बादल बादल, और लेक कुछ इस तरीके की हो गई। लेकिन यहाँ पे ना पास में आपको मच्छर काटेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यार बाकी इतना ही है, यहाँ पे हमें अंधेरा हो गया पूरा ब्लॉग शूट करते करते, और जितनी चीज़ें थी वो सारी बात मैंने आपको बता दी।
और यहाँ पर आने के लिए आपको पुलवंगश मेट्रो स्टेशन पर आना पड़ेगा, वहाँ से 10 रुपये पर पर्सन में रिक्शा यहाँ पर आ जाता है और बिल्कुल सीधा रोड है। बस वहाँ से स्टेशन से बाहर निकल के आप यहाँ रोशनारा बाग तक आ सकते हो और ये सारा पूरा पार्क आप यहाँ पे घूम सकते हो। बाकी अगर ये ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगती है तो एक दोस्त के साथ शेयर कर देना और बाकी कोई फीडबैक हो तो वो दे देना। बाकी बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ब्लॉग, बहुत मन था यहाँ की बनाने के लिए, बस मुझे वो मॉन्यूमेंट यहाँ की बंद मिली इसलिए थोड़ा मूड सा ख़राब हो गया। और बस सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आया था तो यार मतलब मूड सा ख़राब हो गया था, इसे शेयर कर देना, थोड़ा मूड अच्छा कर दो आप लोग। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट वीडियो इसका दिल रखने के लिए एक लाइक के साथ एक ना कमेंट भी छोड़ देना, ठीक है? बस हो गया, कितना खुश है? हो गया, हाँ हो गया, बंद कर दिया। लोग हमें यहाँ पे घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई, अंधेरा हो गया। मैं कह रहा था इससे कि इतनी मेहनत से व्लॉग बनाई है, आ जाएंगे 1-2 करोड़ व्यूज तो। मैं पूछ रहा था उसे मिलियंस में बताइए कितने होते हैं। मिलियंस 1-2 करोड़ 20-10 करोड़ 10 मिलियन सही बता रहा हूँ, जितना टाइम को सोचने में लगाना उतना टाइम व्यूज आने में लगे। ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं।